बारह का बोल्ट ठोक उसको थोड़ा सा, पहले बारह का बोल्ट लगाना। इसको थ्रेडिंग दिया हुआ है ना, इसको थ्रेडिंग दिया है ना, तो इसमें 12 का बोल्ट लगा के ये फुल टाइट करते जाने का प्लेट ऊपर ऊपर आएगी। ले 12 का बोल्ट ले रहे, हाँ वो भी चलता ऐसे लंबी लेने की। एक तो सर को बांध ले गमछा, ठोक उसको थोड़ा टाइट आ जाता ना, इतने साल का रस्टिंग हथोड़े दे, 12 का बना दे, इसको ठोकना थोड़ा हथोड़ी हथोड़ी दो ना रे, जो औजार का काम जो होता है उसी से करो ना। एक ढंग की हथौड़ी भी ले लो, ये अलग है खींचना ऊपर, हाँ अच्छा पानी डाल दिया तो रस्टिंग हो गया उसका। आदित्य नहीं निकल सकता था, ये साजिद भी नहीं निकल सकता था, मैं तो अभी बैठा सर। तू अभी बैठा क्या? नहीं वो इरफान भैया इसलिए खुलाते भी उतना। मुझे मन से निकल जाता था, पूरा लाल आ गया ना प्लेट, पुल्ली पूरी लाल आ गई ना। ये देखिए यहाँ से भी चल गया, इसको 10 सेंटी बदलना पड़ता। ऐसी जब भी प्लेट का प्रॉब्लम आता है ना तो 10 सेंटी पूरी बदला नहीं की, कस्टमर के धूप से बचाने के चक्कर में खुद का नुकसान नहीं करने का ज़्यादा, क्योंकि कस्टमर किसी का होता नहीं है। काम अच्छे से करो, कस्टमर को दया मत करो। एसी का बिजनेस करना है तो शेर की तरह करो, बैल की तरह मत करो। ये लॉकिंग रिंग निकालने का अपना अपना तरीका होता है, हमारे इरफान भाई ऐसे निकालते हैं, वैसे पिच को से ठोकेंगे भी। इसको पुल्ली बहुत जल्दी निकलता है, फ्री रहता है ऐसा। देखो भी हमारे हिसाब में भी एक मिनट में पुल्ली निकल के बाजी होते अभी। तीनों पार्ट बदला, ये मैग्नेट कॉइल बड़ी आती है इसका, ये सॉकेट निकाल के अपने में रख देना हमेशा, तभी भी काम में आता है। ये देखो जल गया, लाल आ गया पूरा, ओरिट हो गया, ये प्लेट जल गई। तो ये अंदर से प्लेट पुल्ली भी देखो कैसा हो गया, जल गया और ये अलग निकल गया। तो पूरा सेट ही बदलाने का, ये तीन का सेट, अभी नया सेट लगा रहे। ये फुल प्लेट, ये मैग्नेट कॉइल बड़ी आती है, डबल डबल एसी में बड़ी आती है, सिंगल एसी में छोटी आती है, अल्टो टाइप की लगती है सिंगल एसी में। ये पुल्ली, ये डबल एसी का 15 नंबर कंप्रेसर का, ये भी फिटिंग कर रहे हैं, ये भी असेंबली फिटिंग होगी पूरी। लेकिन इसके अंदर जो भी वायसर थे ना वो पूरे वायसर डालने का, वायसर को मिसिंग नहीं करने का। अरे देखो ये जो वायर ऐसा आ रहा ना, ये थोड़ा इधर से ले लेना ऐसा, ताकि स्टार्ट में लगे नहीं।
ये अच्छे से टाइट करने का नहीं तो अर्थिंग लूज रह गया ना तो कॉम्प्रेस एंगेज नहीं होता बराबर है ना, ग्लास असेंबली एंगेज नहीं होती। तो हिला के देख ले पर टाइट हो गया ना। हाँ ऐसा, अब फिटिंग कर लेते, अभी चेक कर लो इस पर, ये गाड़ी पे चेक कर लो ना, सेलर हो खड़ी है ना, इस पर चेक कर लो। जब भी क्लच असेंबली चेंज करते हो तो एक बार बैटरी से चेक कर लेने का। खोल इसका बोनट, अरे गाड़ी सेलेरो खड़ी थी तो इस पर चेक कर लेते हैं। दोस्तों कभी भी कॉम्प्रेसर अर्थिंग पॉइंट पर रखने का है, रखते और बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई कॉइल को देने का। देखो ऐसे टिक टिक आने का आवाज नहीं बना, देखो फ्री है लगा वाला, हाँ लगा ना सप्लाई लगाओ, ये देखो ये ऐसे टिक टिक आवाज नहीं लगा, ये देखो लगाओ लगा ना, लगा के रखना। हाँ ये देखो अभी पकड़ लिया कॉइल, अभी छोड़, ये देखो फ्री हो गया, लगा ये देखो पकड़ लिया है। दोस्तों ऐसे एक बार चेक करने का पूरा, अरे हाँ ये भी कॉम्प्रेसर फिटिंग किया, ऑयल चार्ज करके गैस डाल दिया। इसका बेल्ट जब भी निकालना है ना तो एक टेंशनर की जो होती है जिसमें पाना कितने का रखता है, 14 का, हाँ 14 का ना, 14 के पाने से टेंशनर बिल्ली को खींचने का इसका बेल्ट निकलने टेंशनर बिल्ली होती है ना, उसको 14 के पाने से नीचे दबाने का तो ढीला हो जाता है, और बेल्ट निकालने का पाना निकाल रिलीज कर देने का तो जैसा वैसा टेंशनर पुलिस जगह पर आ जाती है। बहुत बार टेंशनर पुलिस के टेंशन खराब हो जाता है तो घर घर आवाज आती है, वो उसका ध्यान में रखने का। ये भी गैस चेकिंग चालू है, रिटर्न भी आ गया है चार मेरा वो 650-700 ग्राम का वॉल्यूम होता है उसका, उतना डाल के क्लियर कर देने का, रिजल्ट देखने का। यहाँ पानी मारने का हल्का बबल आने को होना, ये तो ग्लास है ना, ग्लास में हल्का बबल आने को होना, लाइट चालू नहीं है, यहाँ से हल्का बबल आएगा या फिर क्लियर रहेगा, पानी मारा है तो पानी जैसे सूख जाएगा कंडेंसर का तो ये क्लियर हो जाएगा। हो गया, चल ले लो बाहर।